नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना यानी कि RRB पटना का ये वेबसाइट खुला हुआ है ऑफिशियल, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी नोटिस आ रही है RRB LP की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहेंगे तो आप जाएंगे नोटिस बोर्ड में, वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। देखिए 22 अगस्त का डेट का यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, CEN 1/2018 अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिवीजन मेडिकल बोर्ड या कमिटी, ठीक है, यानी कि DMB के द्वारा जो डिसीजन आया है उसके अगेंस्ट आप अपील वगैरह कर सकते हैं। वैसे तो डिसीजन भी इसमें बताया जा रहा है कि क्या डिसीजन लिया गया था, नहीं लिया गया था, आपको पता था कि आपका जो भी आपका मेडिकल हुआ था, जहाँ पे भी हुआ था और उससे आप संतुष्ट नहीं थे, तो आप DMB के लिए अप्लाई कर सकते, तो वहाँ अप्लाई किया जिन्होंने भी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज आए हैं तो उसमें हम जरा सा पढ़ के आपको सब कुछ बता दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22 तारीख का डेट दिया हुआ है, यानी कि 22 अगस्त यानी कि आज का डेट दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है, RRB पटना लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखो REG लिखा हुआ है, अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजन मेडिकल बोर्ड कमेटी, ठीक है। तो अपील कर सकते हो इसमें, तो पहले बात अपील कर सकते हो, वैसे वो रिजल्ट दिए हैं और इसको अपील भी कर सकते हो। तो कुल मिला के इसमें दो बातें हैं, एक तो जिन्होंने भी पहले अपील किया था और DMB में जाके यहाँ पे अब जो डॉक्टर से मेडिकली अपना करवाया था, मेडिकल अपना करवाया था, तो उनका रिजल्ट भी बता रहे हैं, और साथ साथ अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें हैं पहले मैं आपको उसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए साथ साथ लिखा हुआ है क्या कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP एंड टेक्नीशियंस अंडर दी CEN 1/2013 कंडक्टेड एट RRB पटना फ्रॉम 16/6/2019 टू 11/7/2019। तो साफ साफ लिखा जा रहा है कि LP और टेक्नीशियन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो RRB पटना का हुआ था 16/6 से लेकर 11/7 तक, और कैंडिडेट जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल दानापुर या डिवीजन रेलवे हॉस्पिटल मुगल सराय भेजे गए थे। अब जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें कुछ कैंडिडेट जैसे अनफिट पाए गए थे और रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टेड पोस्ट बाय देम, तो जो भी उन्होंने पोस्ट अप्लाई किया था जिस पोस्ट के लिए उसके लिए वो मेडिकली फिट नहीं पाए जा रहे थे। तो ये जो कैंडिडेट थे उनको एक चांस दिया गया था कि वो अपियर करे कहाँ पे, डिवीजन मेडिकल बोर्ड यानी कि DMB के सामने वो अपियर करे, जहाँ पे बताया जा रहा था कि 3 डॉक्टर का पैनल था और उन्होंने ही आपका मेडिकल चेकअप वगैरह किया था और फिर अपना डिसीजन यहाँ पे दिया है। तो डिसीजन ऑफ DMB विल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, दे विल बी अलॉटेड पोस्ट ऑप्टेड बाय देम फॉर विच दे हैव बीन फाउंड सुटेबल बाय द डिवीजन मेडिकल बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक मुझे अजीब चीज़ लग रही है कि ये कह रहे हैं कि डिसीजन फाइनल होगा लेकिन फिर से ये आपको मौका भी दे रहे हैं, तो मतलब कि अब मैं क्या बोलूँ कि मतलब ये अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो फैसला है वो एकदम आखिरी रहेगा लेकिन यहाँ दोबारा आपको फिर से मौका दे रहे हैं। आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। फर्दर कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन अपियर बिफोर DMB ऑन शेड्यूल डेट विल बी एडजस्ट फॉर द ऑप्टेड पोस्ट ओनली सुटेबल फॉर द मेडिकल कैटेगरी इन विच दे हैव बीन गिवन। तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी एबसेंट हो गए, जो नहीं आ पाए, मतलब उन्होंने अप्लाई किया था, अपील किया था लेकिन DMB के सामने वो नहीं आ पाए, तो उनका जो मेडिकल कैटेगरी था जो भी था उनको अलॉट किया गया था, चाहे सही था या गलत था, वही उनका वो कंटिन्यू हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे कहते हैं कि हाउ एवर इफ कैंडिडेट्स हु अपियर बिफोर DMB एंड वॉन्ट टू अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ DMB, मतलब जो भी हैं कि अपियर हुए थे DMB और उनका जो भी रिजल्ट दिया है उसको भी आप क्या कहता है सही में, अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। और ये जो है सबमिट करना होगा प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर PCMD ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, हाजीपुर, यानी कि यहाँ जो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं उनके सामने आप अपील कर सकते हो सेंट्रल रेलवे हाजीपुर थ्रू दो द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका महेंद्रू घाट पटना। ये आपको एड्रेस वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आपको परफॉर्मा भी दिया गया है, इसमें आपको दोस्तों भेजना है, इसके कुछ कंसर्न है, उसके जो क्राइटेरिया वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है और ये 21 सितंबर तक 6 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस है, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपील करने वाले हैं तो। और नीचे जो है दोस्तों परफॉर्मा दिया गया है, ये आपको किसी डॉक्टर वगैरह से शायद भराना है या क्या है, इसको देख के मैं बता देता हूँ। परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट फॉर अपील टू PCMD अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमिटी। तो ये दोस्तों साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आप अपील करना चाहते हैं PCMD में, तो उसके लिए आपको किसी डॉक्टर से उसकी ये परफॉर्मा दिया गया है, उसमें जाके वहाँ पे उनसे ये सारी चीज़ें भरवानी होगी। तो जो भी चीज़ें हैं उनके सामने आराम से भरवा देना, वो जो जो आपसे पूछेंगे ऑब्वियसली आपको बता देना, फोटो वगैरह लगेगा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये परफॉर्मा है दोस्तों, ठीक है, फिर ऊपर रिजल्ट वगैरह है वो भी मैं बात करूंगा, पहले क्या क्या है मैं कंसर्न आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दिए गए हैं, आफ्टर अपील नो फर्दर चांस विल बी गिवन, ये लास्ट अपील होगा दोस्तों, इसके बाद अगले चांस नहीं दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है। सच एन अपील इज ऑल बी एंटरटेन ओनली इफ, यानी कि
क्रिटेरिया हैं कि आप जो अपील करोगे, आपका अपील कब मान्य होगा, उसके लिए कुछ क्रिटेरिया हैं जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे चलिए फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया। आप देख सकते हो कि यहाँ लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट थ्रू DMC कंडक्टेड फ्रॉम 29/7/2019 टू 31/7/2019 एट डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल दानापुर। दानापुर में हुआ था DMC जो कंडक्ट कराए गए थे। तो ये यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सीरियल नंबर दिया है, फिर आपका रोल नंबर दिया है और नेम दिया है आपका, फिर आपका दिया है मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड एज पोस्ट ऑप्टेड, यानी कि जो भी आप पोस्ट के लिए आप ऑप्टेड किए हैं, आप चुने हैं, उसके लिए कौन सी मेडिकल कैटेगरी आपको चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे बॉक्स है दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि मेडिकल फिटनेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो हुआ था आपका, उसमें आपको कौन सा कैटेगरी दिया गया था, वो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। और जो आप DMB के सामने या जो भी बोलिए DMC के सामने जो आप हाजिर हुए, वहाँ पे क्या है उसका यहाँ पे डिसीजन दिया गया। मैं फिर से साफ साफ बता दूँ, ये आपका रोल नंबर है, ये आपका नाम है, और ये है क्या कि आपको जो पोस्ट अप्लाई किए उसके लिए कौन सा मेडिकल कैटेगरी चाहिए, ये आपका मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट है, और ये जो आपका DMC जो रिजल्ट है ये है। यानी कि अगर इससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, मैं फिर से बता दूं, अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तभी आप अपील कर सकते हैं, समझे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलिए मैं देख के बता देता हूँ कि क्या रिजल्ट है। देखिए यहाँ पे चाहिए था A1 एंड बिलो चाहिए था इनको। यहाँ पे लिखा है अनफिट इन A1 एंड A2 बट फिट इन A3 बिलो विथ DV ग्लास, ठीक है। आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि ए एंड बिलो चाहिए था, लेकिन A1 A2 में ये मतलब अनफिट थे, लेकिन A3 में जो थे ये A3 और उसके बिलो में फिट थे। ये कहाँ पे हुआ था, मेडिकल एग्जामिनेशन में इनको किया गया था। लेकिन जो DMC की रिपोर्ट है इनमें क्या माना गया, सेम माना गया इनको, मतलब कोई चेंज नहीं बोला हुआ कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट था वो एकदम सही है, अब कुछ आप नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। लेकिन अगर दूसरा में देखा जाए तो यहाँ पे देखो A1 एंड बिलो चाहिए था, अनफिट इन A1 एंड A2 बट फिट इन A3 एंड बिलो, यानी कि सेम इसके तरह है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसको इनके क्या लिखा गया है, अनफिट इन A1 टू A3 बट फिट इन B1 एंड बिलो द DV ग्लास, ठीक। तो इनको घाटा हो गया दोस्तों, मतलब कि इनको जो भी मिला था ये भी उनके हाथ में से नहीं रहा। तो अब ये जो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई रहेंगे, जो कि B1 से कैटेगरी B1 और B1 से बिलो कैटेगरी के, उसी के लिए सिर्फ एलिजिबल रहेंगे। तो इनको घाटा हो गया एक तरह से बोले कि, मतलब वो गए थे सोचे थे कि मेरा बढ़ेगा मेडिकल कैटेगरी, अच्छा होगा, बेटर होगा, लेकिन इनको उल्टा ये हो गया। तो ये अपना अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है ये बिल्कुल आप एलिजिबल हैं आराम से कि अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्रिटेरिया वगैरह वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो कि जो जो एबसेंट थे तो उनका तो सेम रह जाएगा, ये सब वगैरह ऐसा एबसेंट थे, किसी का सेम रिपोर्ट है, फिर एबसेंट सेम रिपोर्ट, ठीक है। चलिए अभी इनका देखते हैं हम, चलिए आगे करके देखते हैं। तो जैसे कि चलिए एक आपको दिखाते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे जो ये वाले हैं 16 नंबर, A1 एंड बिलो के लिए इनको चाहिए था अनफिट A1 बट फिट इन A2 एंड बिलो, A2 एंड बिलो फिट थे लेकिन फिट इन A1 एंड बिलो, यानी कि इनको बहुत फायदा हो गया दोस्तों, ये जो अपील किए थे उसका मान ही हुआ और इनके हिसाब से ही रिजल्ट आया कि ये चाह रहे थे कि A1 मेरा फिट है, लेकिन वहाँ जो मेडिकल रिपोर्ट आया था, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में उनको अनफिट कर दिया गया है A1 में और A2 वगैरह में फिट कर दिया गया था, लेकिन जब DMC के सामने ये प्रस्तुत हुए तो इनको फिट कर दिया गया A1 एंड बिलो में, यानी इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये अपील। लेकिन जो भी नहीं हुआ है, ये जितने भी नाम वगैरह हैं आप देख सकते हैं टोटल कितने नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल 141 नाम है। तो जिनका भी रिजल्ट सही से नहीं आया, आपको फिर भी लगता है तो आप अपील कर सकते हैं। इसके लिए अपील जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कैंडिडेट हु डू नॉट, आपको चलिए नोट करके बता देते, जो कैंडिडेट्स हु डू नॉट अपियर इन DMC आर नॉट एलिजिबल फॉर अपील, जो कि एबसेंट हुए थे DMC में और वो चाह रहे हैं कि फिर से अपील कर दे तो वो एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। फिर दिया गया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अटेच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल एडमिट कार्ड इशूड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रेलवे। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी निकालना है और उसको अटैच करना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो आपको दिया गया था दोस्तों। नो फर्दर चांस फॉर मेडिकल विल बी गिवन टू अपील, तो यहाँ साफ साफ ये कर रहा है इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि आप किसके क्या चीज़ के लिए एलिजिबल है नहीं है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। द मेडिकल कैंडिडेट प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशली स्पेशलिस्ट इन द कैंडिडेट हैज बीन फाउंड अनफिट। तो ये आपको जो डॉक्टर से करवाना है, ये कौन से डॉक्टर करवाना है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। अगर आँख का है तो आप आँख वाले डॉक्टर के पास ही जाइएगा, किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा, तो ही आप एलिजिबल होइएगा। आप किसी से भी करा के आ जाइएगा तो मान्य नहीं होगा। दूसरा नंबर है कि सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन अ नोट दैट गवर्नमेंट प्राइवेट इज फुल्ली अवेयर ऑफ द फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड सेट बाय द रेलवे। और ये भी है कि अगर वो भी जो भी लिख के दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है रेलवे के, उनको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी भर दे उनको पता ही ना रहे, ठीक है। और एंड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कैंडिडेट ऑलरेडी बिन डिक्लेयर अनफिट, और उनको पता होना चाहिए कि अनफिट है, ऐसा नहीं कि आप उसको बरकरार दें कुछ भी बोल के उनको इस तरह से बात कह के ये करवाएं, वो गलत नहीं करना है उनको, जो भी चीज़ें जो भी रीजन हुए वो जेनुइनली बताना है, तब अगर वो आपका भरते हैं तभी आप उनसे भरवाइएगा,
करेगा, ऐसे वो नहीं भरवाएगा, नहीं तो उनके लिए भी बहुत हानि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर थर्ड में है दोस्तों कि द सर्टिफिकेट शुड बियर द फोटोग्राफ एंड मार्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड एज सच ए गवर्नमेंट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे है क्या दोस्तों, आपको बोलने फोटोग्राफ होना चाहिए और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, अटेस्टेशन के साथ। सच एंड इशूइंग अथॉरिटी शैल बी क्लियरली मेंशन इन एमसीआई स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उनका नाम वगैरह मेंशन होना चाहिए एमसीआई स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर में। और चार्जेस जो लगेंगे दोस्तों वो 1,000 आपको लगेंगे थ्रू डीडी के थ्रू लगेंगे। और आपको फेवर में किसके बनाना है, एफ ए एंड सी ए ओ ईसी रेलवे हाजीपुरी, इनके फेवर में बनाना है। डीडी जो होता है किसी के फेवर में बनता है, डिमांड ड्राफ्ट फेवर में बनता है, 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है वेयर पी एस सी एम डी ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी री एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ अपील ही मे नॉमिनेट ए मेडिकल बोर्ड टू री एग्जामिन द कैंडिडेट। ठीक है, पी सी एम डी को करना है लेकिन ये कोई भी मेडिकल बोर्ड को री एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हैं बारे बार। द रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड ड्यूरी अप्रूव बाय द पीसीएमडी शुड बी कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग द कैंडिडेट थ्रू आरआरबी पटना। तो पटना के थ्रू आपको वो कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ बता दिया। इन केस द डिसीजन चेंजेस फ्रॉम अनफिट टू फिट, डीडी सबमिटेड विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट, इन अदर केसेस डीडी विल बी क्रेडिटेड टू द रेलवे रेवेन्यू। तो साफ साफ बोला जा रहा है कि अगर आप अपील करते हो और आपको आपका अपील सही माना जाता है तो जितना भी 1,000 रुपया लिया जा रहा है वो आपको वापस हो जाएगा, यानी आपका डीडी आपको वापस हो जाएगा, और नहीं हो जाता तो आपका वो कट जाएगा। रोल नंबर नेम मेडिकल रिक्वायर्ड एज पर देयर पोस्ट फिटनेस डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट मेडिकल में फिटनेस डिलीवर डीएमबी आर गिवन बिलो। तो ये नीचे जो है वो था। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया। नहीं समझ में आया कोई क्वेश्चन है तो फिर से आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्वेश्चन। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिएगा, इस तरह की वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों, काफ़ी सबके लिए हेल्पफुल होता है, तो आशा करते हैं आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।